और बड़ी खबर इस बीच, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी नेता पर हमला किया गया है। आपको बता दें कि हमले की सीसीटीवी तस्वीर यहां पर सामने आई है। दो बाइक पर सवार हमलावरों ने यह हमला किया है, वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। जानकारी एक बार फिर से आप तक पहुंचा देते हैं कि पश्चिम बंगाल के कलातल्ला में बीजेपी नेता पर हमला किया गया है, यानी कि एक और हमले की तस्वीर यहां पर सामने आई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी नेता सौमित्र अता पर हमले का आरोप यहां पर लगा है। तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे में यह तस्वीर कैद हो गई है। जब पश्चिम बंगाल के चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ था, उसके बाद से, उसके पहले से तब भी हिंसा जारी थी। 2 मई को नतीजे सामने आ चुके हैं, उसके बाद से अब भी हिंसात्मक तस्वीरें सामने आ रही है और हमले की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। 2 बाइक पर सवार हमलावरों ने बीजेपी नेता सौमित्र अता पर हमला किया है और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इस हमले का आरोप लगा है। जरूरत है कानूनी तौर पर बेहद सख्त होने की, कानून व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने की, क्योंकि जिस तरह का ये माहौल अब तक बरकरार है, अब तक सामने आ रहा है, वो यकीनन किसी सही दिशा की तरफ संकेत नहीं कर रहा है। और आज आपको बता दें कि बीजेपी नेता सौमित्र अता पर जो हमला यहां पर हुआ है, जिसका आरोप टीएमसी पर लग रहा है, पश्चिम बंगाल के कलातल्ला का जिक्र हम कर रहे हैं, सीसीटीवी तस्वीर भी यहां पर सामने आई है। तपस हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है। तपस, वो तस्वीर भी कुछ देर में हम दिखा देंगे, लेकिन ये क्या चल रहा है? क्या अब भी इसी तरह से खौफ में जीना पड़ेगा? आखिर सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा ली जाए, तो कहां कहां तक, किस तरह से ये खूनी संघर्ष आगे बढ़ रहा है और किस तरह से आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल की सियासत पर ये एक बदनुमा दाग लग रहा है? देखिए, बदनुमा दाग तो लग चुका है, लेकिन किस तरह इसको हैंडल किया जाएगा ये अभी भी साफ नहीं है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री के तौर पर जब ममता बनर्जी वापस शपथ लेंगे, उसके बाद जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, ममता बनर्जी ने बार बार ये गुहार लगाई अपने कार्यकर्ताओं पर कि किसी भी तरह की जश्न ना निकाले और विरोधियों पर हमला ना करें, लेकिन बावजूद उसके इस तरह का हमला चल रहा है। और ममता बनर्जी बकायदा ये भी कहा कि कुछ ऐसी कुछ घटनाएं भी हैं जहां जहां बीजेपी उकसाने की कोशिश कर रही है और उनको पलटवार। बिल्कुल तपस, आपने ये बहुत अहम सवाल उठाया है कि बदनुमा दाग तो यहाँ पर लग चुका है, लेकिन अब इस दाग को मिटाया कैसे जाएगा? ये जो तस्वीरें यहाँ पर सियासी हमले की सामने आ रही हैं, आखिर उनसे डील कैसे किया जाएगा, कैसे इन्हें रोका जाएगा? इस बीच ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, साथ में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ इस तरह से तस्वीर कैद हो गई है। बीजेपी नेता सौमित्र अता का जिक्र कर रहे हैं, जिन पर बताया जा रहा है कि देखिए किस तरह से हमला किया जा रहा है। ये इस गोले के जरिए हम आपको बता रहे हैं उनकी कार को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखिए, कुछ लोग यहां पर मिलकर उनकी कार को पलट देते हैं, पत्थरबाजी की जा रही है। बाइक सवार यहां पर 3 बाइक इस वक्त आपको नजर आ रही होंगी, और भी काफी सारी बाइक जो है आसपास रखी हुई है, और साथ ही कुछ लोग आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। ये वो गुंडे हैं, ये वो अराजक तत्व हैं, ये वो उपद्रवी हैं, जो देखिए किस तरह से बीजेपी समर्थकों, बीजेपी नेताओं, जनप्रतिनिधियों पर हमला कर रहे हैं। काफी सारे लोग आपको नजर आ रहे होंगे इस वक्त, करीब 10 से 12 इस वक्त हम कह सकते हैं। 4-5 बाइक भी यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं और मिलकर ये इस कार को पलटने की कोशिश करते हैं और पलट भी देते हैं। और उसके बाद देखिए, सबने पत्थर उठा रखे हैं और पत्थर से हमले यहां पर किए जा रहे हैं। बीजेपी नेता सौमित्र अता का जिक्र कर रहे हैं जिन पर यह हमला हुआ है। ये हुड़दंग देखिए, गुंडागर्दी देखिए, ये दबंगई यहां पर देखिए, किसी चीज का खौफ नहीं है, किसी कानून का खौफ नहीं है। और इसी तरह की गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल की सियासत से रोजाना सामने आ रही है, चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले भी, चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद भी, चुनावों के दौरान भी और नतीजों के बाद भी यहां पर सामने आ रही है। लेकिन आखिर ये थमेगा कैसे, थमेगा कैसे, रुकेगा कैसे? हमारे सहयोगी तपस हमारे साथ बने हुए हैं। तपस, तस्वीर सामने है जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, बीजेपी नेता सौमित्र अता, जिनके बारे में अगर कोई और जानकारी आपके पास है तो आप जरूर दीजिएगा, और इसके अलावा ये थमेगा कैसे? जी देखिए, ये घटना दक्षिण 24 परगना की है और कल ये घटना हुई है। और सौमित्र अता बीजेपी के कार्यकर्ता है और वो इस बार जब चुनावी प्रक्रिया में काफी जोर शोर से शामिल हुए थे और कहीं ना कहीं वो तृणमूल कांग्रेस के टारगेट में थे, ना ये कम से कम बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि इस समय वहां पर जो स्थिति है कंट्रोल में है, लेकिन दक्षिण 24 परगना खासकर तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। सबसे ज्यादा हिंसा दक्षिण 24 परगना और बीरभूम में देखने को मिला है, अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। लेकिन किस तरह से इसको रोका
रोका जाएगा, इसका जवाब शायद सिर्फ ममता बनर्जी के पास ही है, क्योंकि उनको आगे आकर वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी कल, लेकिन उससे पहले आज रात बीतने से पहले उनको कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा ताकि पुलिस अपनी हरकत में आए और जो भी इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए ताकि एक भय रहे उनके ही समर्थकों के मन में कि इस तरह की वारदात को अंजाम ना दे। लेकिन फिलहाल सरकार या तृणमूल पार्टी की तरफ से कोई भी बयान इसको लेकर सामने नहीं आया। बिल्कुल, जैसा मैं कदम उठाए जाने की बेहद जरूरत है। हालांकि जब टीएमसी के जनप्रतिनिधियों से नेताओं से पूछा जाता है तो सीधे तौर पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की सियासत ने ममता बनर्जी पर विश्वास जताया है। ऐसे में सिर्फ ये कह देने भर से कि ये हमारे कार्यकर्ता नहीं है, हमारे समर्थक नहीं है, नहीं चलेगा, ये आखिर कौन है और इनको सजा आखिर किस तरह से यहाँ पर जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। खौफ का ये माहौल, दहशत का ये माहौल खत्म होना चाहिए, एक बेहद जरूरी यहाँ पर हो जाता है। 24 परगना की तस्वीर देखिए, इस वक्त आपके सामने मौजूद है। इन हिंसात्मक तस्वीरों का सामने आना, बमबाजी, पत्थरबाजी, चाकूबाजी, तमाम तस्वीरें जो यहाँ पर हुड़दंगियों की सामने आ रही है, चाहे ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं या फिर नहीं है, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन सख्त जरूरत है इन तमाम तस्वीरों पर पाबंदी लगाने की, लगाम लगाने की, और ये तभी होगा जब कानून व्यवस्था को जल्द से जल्द बेहद सख्ती के साथ लागू किया जाएगा और मजबूत किया जाएगा। अब ये कह देने भर से नहीं होगा कि हमारे कार्यकर्ता नहीं है, हमारे समर्थक नहीं है, हमारे लोग नहीं है, ये पश्चिम बंगाल के ही अंदर रहने वाले लोग हैं, वो आरोपी हैं जो तस्वीरों में कैद हुए हैं, जिनकी तस्वीरें इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये कितनी बड़े गुंडागर्दी पर उतारू हो चुके हैं, कि ये जान लेने तक में उतारू हुआ और जान ले भी रहे हैं। देखिए बारानगर की ये तस्वीर आपके सामने है, दहशत का माहौल, खौफ का माहौल, या फिर यूं कहिए कि किस तरह से जिंदगी लीलने का ये पूरा प्रोसेस इस वक्त यहाँ पर चल रहा है, जिसका थमना बेहद जरूरी है, वो तस्वीरों के जरिए सामने आता है। दुकानों में आग लगा दी जाती है, पत्थरों जो है वो दफ्तर पर फेंकी जाती है, आगजनी की जाती है, चाकू मारा जाता है, बमबाजी यहाँ पर की जाती है, और ये बताने के लिए काफी है कि अब कानून व्यवस्था को बहुत जल्द से जल्द यहाँ पर सख्ती के साथ उतारना होगा। हल्दिया की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, पुलिस फोर्स की तैनाती हुई है, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं हुई है, इलाके में जैसे ही तनाव का माहौल पैदा होता है, कोई वारदात घटित होती है, तो इसके बाद सुरक्षा के चाक-चौबंद कर दिए जाते हैं, लेकिन आखिर इन गुंडों पर, इन बदमाशों पर, इन समर्थकों पर कौन काबू करेगा पूरी तरह से? कब तक यूं ही वारदातों को अंजाम दिया जाता रहेगा और फिर ये वहां से आराम से चुपचाप निकल जाएंगे और कोई भी इनका बाल बांका नहीं कर पाएगा? इसलिए जरूरी है कि इन्हें बहुत जल्द से जल्द सजा मिले। बीरभूम की तस्वीर भी देखिए, इसके आपके सामने इस वक्त मौजूद है, किस तरह की हालत यहां पर कर दी गई है, घर के अंदर घुसकर ये समर्थक जो है, ये बदमाश जो है, पहुंचते हैं, परिवार वालों को पीटते हैं, मारते हैं और घर में तोड़फोड़ कर देते हैं, सब कुछ तहस नहस यहां पर कर देते हैं। बीजेपी कह रही है कि ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं का काम है, उनके समर्थकों का काम है, ये जीत के बाद की गुंडागर्दी की तस्वीरें हैं। अशोकनगर की तस्वीर देखिए आपके सामने मौजूद है, सीसीटीवी कैमरे में कुछ इस तरह से ये तस्वीर यहां पर कैद हो गई है, बमबाजी की ये तस्वीर देखिए आपके सामने मौजूद है। हैरानी होती है तस्वीरों के जरिए, ये समझने की आप कोशिश करिए पश्चिम बंगाल की सियासत में आखिर क्या जा रही है, और ये आजकल की तस्वीरें नहीं है, अगर आप इन तस्वीरों को खंगालेंगे तो आपको लगातार ऐसी तस्वीरें भरमार तौर पर मिलेगी जो कि बताती है कि अब तक यहां पर खौफ ज्यादा नहीं है, ये उपद्रवी।